गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अपने अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको ले आया हूँ हिमाचल प्रदेश के शिवरात्रि मेले में, जहाँ पे कमलनाथ की मुख्य भूमिका होती है, जो कि कमलनाथ जी टांडना देवी टेंपल में 7 दिनों तक विराजमान रहते हैं और वहीं से वो पूरा मेला देखते हैं। चलो आज मैं आपको ले चलता हूँ टांडना देवी मंदिर में। आप देख सकते हैं टांडना देवी जी का मंदिर। तो आप देख सकते हैं टांडना देवी जी का मंदिर, जहाँ पे कमलनाथ जी विराजमान रहते हैं 7 दिनों के लिए। जो कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मंडी से 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर कमलनाथ जी का मंदिर है, जो कि रोहांडा से ऊपर पैदल यात्रा करनी पड़ती है। टांडना देवी मंदिर में जो भक्त जन कमलनाथ की चढ़ाई नहीं कर सकते किसी भी कारण से, उन लोगों के लिए कमलनाथ जी टांडना देवी के मंदिर में 7 दिनों तक विराजमान रहते हैं, ताकि सभी श्रद्धालुओं को दर्शन मिल सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। आइए टांडना में आपको करवाते हैं लाइव दर्शन। आप देख सकते हैं टांडना देवी मंदिर में कमलनाथ जी विराजमान है। बहुत ही प्यारा दृश्य है कमलनाथ जी का, देख सकते हैं आप। यहाँ पे कमलनाथ जी के पुजारी जी बाहर बैठे हुए हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मंडी शहर से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर ऊपर पहाड़ी पे विराजमान है कमलनाथ जी, जो कि ये टांडना देवी का मंदिर आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। कमलनाथ जो कि मंडी से 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ से बस के द्वारा रोहांडा में जाना पड़ता है, और रोहांडा से कमलनाथ की दूरी 6 किलोमीटर की पहाड़ी पे स्थित है, जहाँ पर चलने के लिए 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और कमलनाथ जी की हाइट 3334 मीटर है, जहाँ पर कमलनाथ में एक प्यारा सा ही तालाब है जिसकी मुख्य विशेषता है, जहाँ लोग मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद तालाब में लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कमलनाथ जी का लाइव दृश्य। देखिए लोग अपनी मन्नतें पूरी होने के बाद यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, जो कि
इनका जो मुख्य स्थान है वहाँ पे कई बुजुर्ग हैं जो कि पैदल चढ़ाई नहीं कर सकते, तो वो दूर दूर से यहाँ पे लोग मंडी में तारनाथ देवी के मंदिर में आते हैं जहाँ पे कमलनाथ जी 7 दिनों के लिए विराजमान रहते हैं और यहीं से पूरे मंडी का दृश्य देखते हैं और 7 दिनों के बाद ये अपने स्थान के लिए रवाना हो जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पंडित जी श्रद्धालुओं को कंगन बांधते हुए और बुरी आत्माओं का साया दूर करते हुए। तारनाथ देवी मंदिर में आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा हनुमान जी का मंदिर है, शिवलिंग देखिए यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत ही प्यारी है, देख सकते हैं आप। जी जिसने मेरा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, धन्यवाद।